नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि प्रौढ़ की चर्चा निरंतर चलती रहती है और आज के समय का सबसे बड़ा समाचार, सबसे नया समाचार यही प्रौढ़ ही है। इसलिए इसके संबंध में हमें पर्याप्त जानकारी रहनी चाहिए और कोई भी संशय हो तो उसका अवश्य हमसे निराकरण करें। तो कुछ लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि आपने जो गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी, मैटर सेंटर्ड साइकोलॉजी, सेल्फ सेंटर्ड साइकोलॉजी और डोगमा सेंटर्ड साइकोलॉजी को थोड़ा और स्पष्ट करें, तो मैं इसके संबंध में तो एक बात कह के और फिर अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरह का संशय मन में आए तो उसको जरूर निराकरण के लिए मेरे पास चैट बॉक्स में देने से मैं उसी को जरूर निराकरण करूंगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी विशेषता है प्रौट की वो ये है कि ये गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी पर आधारित है, ये गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी है। तो गॉड सेंटर्ड का मतलब क्या है? लोग कहते हैं भगवान है नहीं है, क्या सबूत है, हमको तो दिखाई पड़ते नहीं हैं। तो दिखाई पड़ने में जो इंद्रियां हैं हमारी, सेंसरी ऑर्गन्स या मोटर ऑर्गन्स, कर्मेंद्रिय या ज्ञानेन्द्रिया, इन सबों की सामर्थ्य सीमित है। हम बिल्कुल आँख से सटा करके कोई किताब नहीं पढ़ सकते और कोई किताब दूर रखी हुई वो भी नहीं पढ़ सकते। उसी तरह बहुत कड़ी आवाज़ हो तो कान बहरे हो जाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे, समझ पाएंगे क्या बोला गया, और कोई बहुत धीमी आवाज़ हो वो भी नहीं सुन पाएंगे। तो एक सीमा के भीतर हमारी इंद्रियां काम करती हैं और बहुत से तो ऐसे अनुभव हैं जो केवल अनुभव ही किए जा सकते हैं। वो इंद्रियों के जो 5 ज्ञानेन्द्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं इनकी पकड़ में नहीं आते हैं, उनको कहा जाता है प्राणेन्द्रिया। जैसे कोई चीज़ कोमल है या कठोर है ये प्राणेन्द्रिय के द्वारा मालूम होता है, या हमको गर्मी और ठंडा ये महसूस प्राणेन्द्रियों के द्वारा होता है, ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से नहीं होता है। जिसके द्वारा होता है उसको अंतःकरण कहते हैं या प्राणेन्द्रिय कहते हैं। तो ये जो बात होती है गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी की कि क्या ईश्वर है या हम ऐसे ही मान रहे हैं, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कोई ईश्वर वगैरह भगवान उगवान नहीं है, ये केवल मन की कल्पना है, मिथ्या है। तो ईश्वर के लिए मैं दो ही केवल बात बताऊंगा, बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन दो बात पर ही आप सब लोग विचार कीजिएगा तो लगेगा कि हाँ एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी सत्ता है जो इंद्रियों के परे है, जो मन से भी परे है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने टिकट कटाया कि उसको मुंबई जाना है, अब वो मुंबई जाने के लिए टिकट भी हो गया, रिजर्वेशन है, वो अपना स्टेशन के लिए निकला, लेकिन रास्ते में कोई ऐसी परिस्थिति हो गई जैसे बहुत जाम लग गया और 5 मिनट लेट से पहुंचा और गाड़ी खुल गई थी, गाड़ी उसको पकड़ में नहीं आई, या अन्य कोई कारण कहीं एक्सीडेंट हो गया और इसके कारण गाड़ियां सब खड़ी हैं और जब निकला वो पहुँचते गाड़ी का समय बीत गया था और गाड़ी जा चुकी थी। इसका मतलब है कि हमने जो प्रयास किया, यह एक शक्ति है, मन की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, हम ऑटो से टैक्सी से जा रहे थे तो उसकी शक्ति है, लेकिन ये सारी शक्तियाँ फेल हो गई। तो हम जो गाड़ी नहीं पकड़े तो इसका माने कि एक और शक्ति ऑपरेट कर रही है जिससे हमारा काम नहीं हुआ, या हम कुछ किसी से योजना बनाए किसी से मिलने का लेकिन वो योजना हमारी पूरी नहीं हो सकी, हमने कोई योजना बनाई कोई लाभदायक कोई बिजनेस करने का लेकिन हमें घाटा ही घाटा लगा। तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक होने पर भी अगर कोई काम नहीं होता है
जैसा बहुत सारा अनुभव होगा ऐसा नो का कि बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट भी वो भी कभी फेल कर जाता है या उसके नंबर कम आ जाते हैं, या बढ़िया से बढ़िया गाड़ी चलाने वाला भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और देहांत हो जाता है या उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। तो वो नहीं चाहता था कि एक्सीडेंट हो, लेकिन उसकी चाह पूरी नहीं हुई। तो किसकी चाह पूरी हुई? तो जो शक्ति एक ऑपरेट कर रही है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम जिसको नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, उसी को हम ईश्वर कह सकते हैं। बहुत से लोग प्रकृति भी कहते हैं, लेकिन और गहन चिंतन में जाने पर ये मालूम होगा कि प्रकृति भी उन्हीं का एक अंश है, उन्हीं की क्रिया शक्ति है। जिस तरह से आग और उसकी दाहिका शक्ति, थर्मल वैल्यू जो आग का है, आग है वो सत्ता, और उसके जी विशेषता है दहन करना, जलाना, इसको प्रकृति हम कह सकते हैं। पुरुष और प्रकृति, ये पुरुष प्रकृति प्रकृति पुरुषात्मा के अस्तित्व है ब्रह्म का। ये नाम सभी कुछ न कुछ अर्थ रखते हैं। पुरुष सत्ता है, जैसे जिसको साक्षित्व है, जो साक्षी है वो पुरुष है, और जो क्रिया कर रही है, माने कोई काम हो रहा है, तो वो प्रकृति के माध्यम से, उसके तीन गुणों के माध्यम से होता है, जिन तीन गुणों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो जो भी क्रिया होती है, वो क्रिया जब तक उसका कोई साक्षित्व नहीं है, तब तक उस क्रिया का होना प्रमाणित नहीं होता है। अब कोई अगर कोई खबर दिया, अब वो सच खबर दिया या झूठ खबर दिया, ये कैसे पता चलेगा? हम उस खबर के साक्षी नहीं हैं, हमने देखा नहीं है, किसी ने कहा, तो या तो हम उसको विश्वास करते हैं, इसलिए मान लेते हैं। लेकिन अगर वो घटना नहीं हुई है और वो कह रहा है कि ऐसा हुआ है, तो ये मिथ्या है, ये कैसे पता लगेगा? इसी से पता लगेगा कि उसका कोई साक्षी करने वाला नहीं है। तो साक्षित्व वाली चीज़ हमेशा किसी न किसी क्रिया से जुड़ी रहती है, तभी मालूम होता है कि हाँ ये काम हुआ। जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी किया और किसी ने नहीं देखा, न सेंध मारते देखा, न सामान चुराते देखा, लेकिन चोरी किया उसने, तो किसी ने नहीं देखा, तो उसको पुलिस भी नहीं पकड़ पाई, कोर्ट में भी कुछ नहीं हो सका, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं, तो पता ही नहीं चला। लेकिन उसके मन में ये जरूर रहता है भाव कि मैं जानता हूँ कि मैंने चोरी किया है और किसी ने इसे देखा नहीं है। तो ये मैं जानता हूँ, हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे भाव होता है, मैं जानता हूँ कि आज मैंने बहुत अच्छा भोजन किया है, मैं जानता हूँ कि आज मैंने परीक्षा में सवालों का अच्छा सही जवाब दिया है। तो ये जो जानता हूँ, जानने वाली जो सत्ता है, ज्ञात्री सत्ता है, इसी को आत्मा कहते हैं, जो हमारे अणु चैतन्य या एक इकाई आत्मा, और वही जब अनंत इसकी समष्टि होती है, सामूहिक होता है अनंत आत्माओं का जो मिलन, तो फिर इसको कहते हैं परमात्मा। तो इसीलिए यह परमात्मा, यह जो अनंत सत्ता है, इससे मन के जुड़ने का लाभ यह है कि हम किसी को पराया नहीं समझेंगे, हम किसी पर अन्याय, अत्याचार, अविचारपूर्ण कोई क्रिया नहीं करेंगे, कोई गतिविधि हमारी नहीं होगी, सभी संतुलित होगी, सबके कल्याण के लिए होगी, सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय होगी। इसीलिए प्रोक्त दर्शन गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी पर आधारित है, यह गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी है। ये इसका मूल भाव यही है कि परम पुरुष हमारे पिता हैं, परमा प्रकृति हमारी माँ हैं, और त्रिभुवन हमारा स्वदेश है, मैं विश्व नागरिक हूँ। एक ब्राह्मी आदर्श, एक सर्वजनीन आदर्श, सबको एक परिवार की दृष्टि से देखने वाला आदर्श, यह गॉड सेंटर साइकोलॉजी में ही संभव है। नहीं तो बाकी तो आप देखेंगे विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न मजहब है, विभिन्न संप्रदाय है, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न सभ्यता संस्कृतियां हैं, और उन सब में बहुत सबों में आपस से परस्पर संघर्ष, तनाव, कलह सब बने रहते हैं। लेकिन गॉड सेंटर साइकोलॉजी में स्थित होने पर कभी आपसी संघर्ष
संभव नहीं है, क्योंकि सब परम पुरुष के ही विकास के रूप में हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त तीन अन्य जो होते हैं, साइकोलॉजी, हमारे सोचने का तरीका, वो एक है सेल्फ सेंटर्ड साइकोलॉजी, स्व केंद्रित या आत्म केंद्रित मनस्तत्व, कि मुझे सुख मिले, अपने को ही हर तरह से सुखमय, शांतिमय, समृद्ध, सुंदर सब बनाने का प्रयास जिसमें होता है। तो अपने को अच्छा से अच्छा बनाना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन अपने को अच्छा बनाने के लिए दूसरे को घटिया बनाना पड़े, अपने को सुख देने के लिए दूसरे को दुख देना हो, तो उस चीज़ का समर्थन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब हमसे कोई झूठ नहीं बोलता है, या झूठ कोई बोलता है और जब हमें मालूम होता है तो तकलीफ होती है, और उससे हम शिकायत भी करते हैं, आपने हमसे झूठ क्यों बोला। तो जब दूसरे का झूठ हमें नहीं बर्दाश्त होता है, तो हमें भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन प्रायः देखा जाता है आदमी को दूसरे का झूठ तो नहीं बर्दाश्त होता है, लेकिन अपने झूठ बोलने की छूट चाहता है, और कोई उसका झूठ पकड़ा गया, कहेगा नहीं नहीं गलत है, वो गलत मुझे बदनाम कर रहा है, या अफवाहबाजी है, र्यूमर मॉन्गरिंग है, ये सत्य नहीं है। तो ये इससे मन के भीतर एक कपटाचरण आ जाता है, पाखंड आ जाता है। तो इसीलिए हम वो सुख लेने की क्यों कोशिश करेंगे जो किसी को दुख दे करके हो, हम वो क्यों भला लेने की कोशिश करेंगे जो किसी की बुराई करके हो। तो जो आत्म केंद्रित या स्व केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड जो साइकोलॉजी है, उसमें यह नहीं परवाह है कि दूसरे को क्या हो रहा है। अरे एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी गरीबी तो हमेशा रही है दादा, ये तो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, और एक तो अच्छे सन्यासी, बहुत अच्छे सन्यासी जो समाज के हित की बात सोचे थे, उन्होंने यहाँ तक कहा मुझे कि देखिए सो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि मुझको बहुत सुख के साधन हो, एकदम सामान्य जीवन में बिताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जो शिष्य हैं, जो मेरे अनुयायी हैं, वो मुझको तरह तरह के सुख के साधन देते हैं। कहते हैं नहीं नहीं गुरु जी, आपको तो हम क्यों नहीं देंगे, जब हम ईश्वर का सुख लेते हैं तो आपको भी जरूर मिलना चाहिए, आप हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं समझा के थक गया, लेकिन ये जो अंतर है नहीं मिटने वाला है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि वो लोग श्रद्धा से दे रहे हैं, वो लोग अपने प्रेम से दे रहे हैं, वो कोई उनको कष्ट नहीं दिया जा रहा है, उनको मारा पीटा नहीं जा रहा है, उनको कोई यातना नहीं दी जा रही है कि तुम ऐसा करो तभी मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो इसीलिए जहाँ पर दूसरे को नज़र में नहीं रखकर, दूसरों के हित को नहीं सोचकर, केवल अपने ही हित की बात सोची जाती है, तो यह है स्व केंद्रित। और इसके बहुत सारे आपको उदाहरण मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कुछ और उदाहरण देकर समझाइए, तो आप यही उदाहरण देख लीजिए कि एक हमारे देश में बहुत बड़े अमीर आदमी हैं जिनका 20,000 करोड़ का एक मकान है, वो एक मकान 20,000 करोड़ का है, जिसमें 55 महलनुमा माने मकान हैं, और उसमें प्लेन के भी लैंड करने की सुविधा है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 20,000 करोड़ का मकान आप सोच सकते हैं, जिसमें 70 लाख रुपए की बिजली की खपत है। अब इसी को आप तुलना कीजिए कि किसी को रहने के लिए घर नहीं है, और एक व्यक्ति का एक मकान जो है 20,000 करोड़ रुपये का है, और उसको बिजली भी इतनी खपत है, और बहुत सी जगह हैं जहाँ बिजली भी नहीं पहुँची है। तो इसीलिए यह भेद इसीलिए आया है कि स्व केंद्रित अपने ही सुख के बारे में सोच करके वो आदमी काम करता है। तो इस स्व केंद्रित मानसिकता से पूंजीवाद का जन्म हुआ, जिस पूंजीवाद के शोषण में आज पूरा समाज त्रस्त है, कि पूंजी ही प्रमुख है, व्यक्ति की महिमा कुछ भी नहीं, जिसको पूंजी है वही ज्ञानी है, गुणी है, वही हर तरह के अलंकार से विभूषित है। उसी तरह से दूसरी साइकोलॉजी एक है जिसको कहते हैं मैटर सेंटर साइकोलॉजी। मैटर सेंटर साइकोलॉजी में भोग की सामग्रियाँ अधिक से अधिक हमारे पास हो, हम 100 रुपये किलो वाला भी चावल खा सकते हैं, 1,000 रुपये किलो वाला भी खा सकते हैं, तो क्या जरूरत है, चावल ही ना खाएंगे हम, रुपया पैसा सोना चांदी तो नहीं खाएंगे, तो हम क्यों नहीं 100 रुपये ही किलो वाला खाएं, 900 रुपया जो बचेगा वो समाज के कल्याण के लिए, दुखी लोगों को देने के लिए लगेगा,
जिससे कि कोई भी अभाव से ग्रस्त नहीं हो, किसी को खाने पीने की रहने की कोई सुविधा की कमी नहीं हो। लेकिन ऐसा सोचते नहीं है, क्योंकि भोगवादी दृष्टिकोण है कि हमारे पास भोग के साधन अधिक से अधिक हों, हम सबसे ज़्यादा सुख का उपयोग करें, हमारे टाइल्स लगे रहें, बिल्डिंग में मार्बल लगे रहें और किसी को झोपड़ी भी नसीब नहीं हो। तो इस तरह का जो अंतर है, विषमता है, ये भोगवादी दृष्टिकोण के कारण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह बाजारवाद है कि बाजार में जब किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और डिमांड कम है तो प्राइस घट जाता है। तो प्राइस का बढ़ना और घटना बाजार के क्रिया पर नहीं निर्भर करना चाहिए, मैकेनिज्म पर नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य की आवश्यकताओं को देखकर और समाज की उपलब्धियों को देखकर होना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपना जीवन को, भरण पोषण को पालन करने के लिए जितना जरूरत है, न्यूनतम आवश्यकता सबको प्राप्त हो, तो इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। तो इसलिए इस तरह की स्थिति का कारण है कि भोगवादी दृष्टिकोण हमारे मन में है। और तीसरी एक और जो साइकोलॉजी है, जिससे समाज में हम देखते हैं विषमता और अन्याय अत्याचार फैलता है, वह है डोगमा सेंटर्ड साइकोलॉजी। अब डोगमा से इस भोगवादी दृष्टिकोण से साम्यवाद प्रकट हुआ। ये दोनों जड़वाद हैं, दोनों मैटर को, जड़ को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन एक में व्यक्ति का वैयक्तिक सुख है और एक में यह कि सुख की सामग्रियां हमारे पास अधिक से अधिक हो, लेकिन दोनों जड़ की ही अवधारणा को लेकर चल रहे हैं। ईश्वर की अवधारणा इसमें नहीं है, जिसके कारण विषमता की रचना होती है। और ये भाव जड़ता जो है डोगमा सेंटर्ड में, भाव जड़ हो जाता है, उसमें युक्ति का कोई महत्व नहीं है। तो इससे मजहब निकले। मजहब के बारे में जानते हैं, इस तरह की मान्यता है कि मजहब में अकल का दखल नहीं है, और जितनी लड़ाइयाँ मजहब के नाम पर हुई है और जितने खून खराबे हुए हैं, उतना ये विश्व दो विश्व युद्धों में भी उतना नहीं हुआ होगा, उतना कोई महामारी में भी नहीं हुआ होगा। बहुत मारकाट हुआ है, क्योंकि एक दूसरे को सहन नहीं करना चाहते हैं। क्यों? तो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, हमारे गुरुओं ने ये संदेश दिया है, हमारे महापुरुषों पूर्वजों की ये वाणी है। तो वो सब युक्ति संगत होना चाहिए। जब युक्ति संगत होगा तब वो आध्यात्मिक की तरफ ले चलेगा, तब वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले चलेगा, तब वो परमात्मा की तरफ ले चलेगा। इसीलिए जिस भी दर्शन में, जिस भी विचार में, जिस भी जीवन शैली में युक्ति का महत्व नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि वो भाव जड़ता है। अब हमारे पूर्वज लोग खड़ाव पहनते थे लकड़ी का, तो क्या हम भी खड़ाव पहन के चलेंगे? जबकि आजकल एक से एक तरह से सैंडल आ गए, चप्पल आ गए, जूते आ गए। तो इसीलिए हम युक्ति विहीन जो भी चीज़ होगा वो सब भाव जड़ता होगा। तो युक्ति युक्त हमें जीवन यापन करना है। और श्री प्रभात चंद्र सरकार ने कहा, युक्ति राजत्व, रूल ऑफ रैशनैलिटी, कि युक्ति संगत ही हमें जीवन जीना है, हमारा मार्गदर्शन युक्ति ही करेगा, न कि कोई संविधान, न कि कोई कानून, न कि कोई देवाज्ञा। अगर वह युक्ति संगत है तो हम उनको स्वीकार है, नहीं है तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इन तीन साइकोलॉजी की लड़ाई हमेशा गॉड सेंटर साइकोलॉजी से चलेगी, और जो गॉड सेंटर साइकोलॉजी में स्थित है उसी के वो झंडा ध्वजवाहक है, उनकी विजय निश्चित है। उनको ये तीनों शक्तियाँ मिलकर के भी पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि जो ईश्वर तत्व है वो अनंत शक्तिशाली है, उसके खिलाफ कोई भी खड़ा होकर के अंत तक साबुत नहीं बचता है। नमस्कार।